mpcg.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय तिवारी। मध्य प्रदेश की जिस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें हैं वो है बुधनी विधानसभा सीट। यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस ने अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है। और आइए जानते हैं कि क्या है बुधनी विधानसभा सीट का गणित और क्यों कांग्रेस ने अरुण यादव को उम्मीदवार बनाया है, क्या है इसके पीछे के फैक्टर्स। बुधनी विधानसभा सीट से अरुण यादव को कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया गया है, लेकिन अगर बुधनी के गणित पर नजर डालें तो कांग्रेस ने कई फैक्टर्स का ध्यान रखकर ही अरुण यादव को बुधनी उतारा है। सबसे पहला फैक्टर है जातिगत समीकरण। बुधनी में सबसे बड़ी संख्या आदिवासी वोटरों की है और उसके बाद ओबीसी वोटर आते हैं, जिनमें किरार समाज के मतदाताओं के अलावा यादव समाज के मतदाताओं की भी काफ़ी बड़ी संख्या है। बल्कि अगर कहा जाए कि यादव मतदाताओं की संख्या किरार मतदाताओं से ज़्यादा है। शिवराज सिंह किरार समाज से आते हैं और अरुण यादव यादव समाज से हैं, जो कि दोनों ही ओबीसी में आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 65% वोटर जातिगत आधार पर वोट देते हैं और अगर यादव मतदाताओं ने जातिगत आधार पर वोट दिया तो अरुण यादव का पलड़ा भारी पड़ सकता है। दूसरा फैक्टर है अरुण यादव के पिता की छवि। अरुण यादव के पिता सुभाष यादव का प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भी सहकारिता को लेकर काफी सम्मान है और उसका फायदा अरुण यादव को मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान के लड़ने से पहले 1998 तक बुधनी से कांग्रेस उम्मीदवार ही जीतता रहा है। तीसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी। पिछले 15 सालों के शासन के बावजूद बुधनी विधानसभा के कई गाँव विकास से महरूम है और उसके चलते शिवराज के पक्ष में प्रचार करने गई उनकी पत्नी और बेटे को भी विरोध झेलना पड़ा। इसका फायदा कांग्रेस और अरुण यादव उठा सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो अरुण यादव के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस ने बुधनी से अरुण यादव को मैदान में उतारा है।